दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 28 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। दोस्तों, मैं अपनी ड्यूटी करता रहता हूँ। आज का वीडियो सुनिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह 27 तारीख को मैंने थोड़ा सा लिखा था। लिखा क्या था? लिखाया गया था मुझसे, मुझे यह कहते हुए बड़ी ग्लानि, शर्म और निराशा हो रही है। मुझे ये सब कहते हुए, लिखते हुए बड़ी ग्लानि, शर्म और निराशा हो रही है। चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे कोई और लिखा रहा हो, मुझे हो रही है कि भारत की बीमारी का इलाज कम से कम एक बार हाहाकार, अराजकता, तांडव, प्रलय ही है। इसे आप कुछ भी नाम दें, आगे का रास्ता तो इससे ही निकलेगा। मुझे ये कहते हुए बड़ी ग्लानि, शर्म, निराशा हो रही है कि भारत की बीमारी का इलाज, वर्तमान बीमारी का इलाज, चाहे कम से कम एक बार ही हो, वह इलाज है हाहाकार, अराजकता, तांडव, प्रलय। इसे आप कुछ भी नाम दें, आगे का रास्ता तो इसी से निकलेगा। भाई, ये मेरे इंजेक्शन्स हैं, मेरी वो देवी शक्ति, मेरी गाइडिंग स्पिरिट जो है, वो भी ऐसा ही बोलता है। ये ऐसे ही है जैसे थर्ड फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर में कोई बीमार हो, आजकल के हालातों में जैसे कोई थर्ड फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया है, और अब सोचते हैं कि भाई अब इसकी कुछ बस की नहीं, इसका जीवन तो तभी सफल है जब भी मर जाए, तब इसका नया जन्म होगा। इसी तरह से भारत के साथ हो रहा है कि हाहाकार, अराजकता, तांडव, प्रलय से ही इसका कोई रास्ता, कोई इलाज निकलता है। चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, भाई मुझे तो मेरी स्पिरिट गाइड ने ऐसा ही लिखाया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, वह देवी शक्ति है। अब आप 28 आज का वीडियो सुनिए, ये कल का भी मैंने आज के में बना दिया है, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। एक विनम्र निवेदन, पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है, उसे सुन ले भाइयों। इस सब लेखन में उच्चारण में मुझ मंगल का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, इस सब लेखन में उच्चारण में मुझ मंगल का कोई हाथ नहीं है, इसलिए इसका कोई क्रेडिट या दोष मुझे नहीं दें, क्योंकि मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए कोई मुझे नहीं दें। ये सब किसी देव शक्ति, देवी शक्ति की करनी है, जो कभी दृश्य होकर, कभी अदृश्य रूप से मुझ पर हावी होकर यह सब काम मेरे से कराती है, लिखाती है, बुलवाती है। वैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले लेना। एक विनम्र निवेदन दोस्तों, इस सब लेखन में उच्चारण में मुझ मंगल का कोई हाथ नहीं है, इसलिए इसका कोई भी क्रेडिट या दोष मुझे मत देना। यह सब तो किसी देवी शक्ति की करनी है, जो कभी दृश्य रूप से, कभी अदृश्य रूप से मुझ पर हावी होकर यह सब मुझसे कराती है, लिखाती है, बुलवाती है। आज 28 अगस्त है, हरियाणा सबको याद आ रहा होगा। भाई, ये नूह कुरुक्षेत्र से कितनी दूर है? भाई पता नहीं, चलो कोई जरूरत भी नहीं है। क्या होगा आज कुछ भी हो, अच्छा ही होगा, और उस चीज़ का रास्ता निकलेगा।
आज कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उस चीज़ का रास्ता थोड़ा आगे बढ़ेगा, दिखेगा, निकलेगा। किस चीज़ का रास्ता? जब ऐसा होगा, क्या होगा? जब ऐसा होगा, जो सालों से यहाँ घोषित किया जा रहा है, वो देवात्मा घोषित कराती रहती है। क्या उस चीज़ का रास्ता निकलेगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि मोदी साहब भागवत तंड कंपनी पर दया करना लोगों, उस चीज़ का रास्ता निकल जाएगा। किस चीज़ का? जिसमें आपसे कहा जाएगा, कहा जा रहा है कि मोदी साहब कंपनी पर दया करना लोगों, इन्हें पकड़ लेना, इन्हें पकड़ लेना, वरना दुनिया इनको जीने नहीं देगी। दुनिया इनके साथ पता नहीं कितनी भयानकता कर दे। मोदी साहब कंपनी पर लोगों दया करना, इनको पकड़ लेना, वरना दुनिया इन पर पता नहीं कितने जुर्म करेगी। यह करके तुम बड़ा पुण्य करोगे, किसी की जान बचाओगे, किसी की दया, किसी पर इन पर दया करोगे तो तुम पर दया होगी, और यदि मारे जाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? पकड़े जाते हैं तो बड़ा देश दुनिया का भला भला होगा, इनसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसलिए क्या उस देव शक्ति ने लिखा या बुलाया, मोदी साहब भागवत तंड कंपनी पर दया करना लोगों, इन्हें पकड़ लेना, मारना मत, वरना दुनिया इन्हें मार देगी, पता नहीं कितना बुरा हो जाए, और जो मैंने अभी बुलाया। और ऐसे ही काम देश के मंदिरों के पुजारियों पर करना। ऐसा समय आ रहा है जब तुमको ये होगा कि क्या करें, इन्हें पकड़ लेना लोगों, मारना मत, न मारने देना। देश के मंदिरों के पुजारियों पर भी ऐसी हालत आएगी। ऑल एक्स एंड प्रेजेंट एमएलए एमपीज के साथ भी ऐसा ही करना, इन्हें पकड़ लेना, मारना मत, मारने भी मत देना। क्यों? क्योंकि वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, ऐसा ही एक्स एंड प्रेजेंट विदेश भागते हुए लोगों, विदेश भागते हुए एंड प्रेजेंट एंड एक्स आईएएस आईपीएस आईआरएस एंड बड़े ऑफिशियल्स, बड़े ट्रेडर्स, बड़े धर्माध्यक्षों के साथ भी करना, उन्हें पकड़ लेना, मारना मत, पाप मत करना। क्यों? इन पर दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर दया की जाएगी, वरना पता नहीं कैसे लोगों के हाथ में पड़ जाएं। इसलिए और ये अच्छा अच्छा ही काम, मानवता का काम करना, किन्हीं को पकड़ लेना, कानून के हाथों में सौंप देना, लेकिन मारना मत। भाई आज उसने ऐसा ही लिखाया, मैं तो क्या है कि एक पागल सा आदमी हूँ, सड़क छाप सा हूँ, देखो ना कैसे झबलूदार आदमी बैठा है, सड़कों पर घूमता रहता है, किसी को कोई मेरी बात बुरी लगे, भाई मैं बहुत बहुत सॉरी, क्षमा मांगता हूँ। वो देव शक्ति मुझे मजबूर करती है, और मैं भी समझता हूँ कि शायद इससे किसी का भला हो जाए, लोग समझ जाएं, किसी के साथ बुरा नहीं हो, गलतियों में लोग कर देते हैं, ये जैसा जैसा भी है नहीं, लेकिन मैं दलाली नहीं कर रहा हूँ लोगों, ये ध्यान रखना, मैं दलाली नहीं कर रहा हूँ। जैसे दलाली उसने की थी, उस नेता ने की थी, जब पहलवान लड़कियाँ बैठी थी और वो कह रहा था कि वह आरोपित व्यक्ति भी बड़ा प्रेस्टिजियस आदमी है, कुछ तुम झुको, दोनों की तरफ से ऐसा ऐसा होना चाहिए, जहाँ सारा देश ने देखा कि ये तो दलाली का काम है। दोस्तों ये ध्यान रखना, मैं कोई दलाली का काम नहीं कर रहा, भगवान को साक्षी मानकर मैं सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मुझसे कोई लिखवा रहा है, बोलवा रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।